आज हम लोग बात करने वाले हैं अकाउंट के बारे में। जो हम लोग बैंक में अकाउंट खोलवाने जाते हैं या बैंक में अकाउंट खोलवाते हैं तो हम लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये परेशानी होता है कि बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं होता कि आखिर अकाउंट कितने प्रकार का होता है। तो बैंक में जब हम लोग अकाउंट ओपन करवाते हैं ना, तो मेन रूप से अकाउंट जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता सेविंग्स अकाउंट और दूसरा होता है करंट अकाउंट। अब हम लोग बात करने वाले कि सेविंग अकाउंट क्या है, इसके बाद करंट अकाउंट क्या है, किन लोगों को कौन सा अकाउंट खोलवाना चाहिए। आप लोग जो है वीडियो में बने रहिए, एक एक चीज को हम लोग बारीकी से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेविंग्स अकाउंट के बारे में कि सेविंग्स अकाउंट क्या होता है, किसे खुलवाना चाहिए, नहीं खुलवाना चाहिए, क्यों खुलवाना चाहिए, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सेविंग्स अकाउंट को हिंदी में हम लोग बचत खाता कहते हैं, बचत खाता। अब बचत तो सब लोगों को पता होगा कि भाई बचत का मतलब आखिर क्या होता है। कि कहावत ही है कि अगर हम लोग बचाएंगे कुछ तभी जो है हमारा जीवन आसान होगा। जैसे होता है कि भाई सेव वाटर सेव लाइफ, अगर हम लोग पानी बचाते हैं तो जीवन बचता है, या सेव ट्री सेव लाइफ। तो उसी तरह है कि भाई सेव मनी, सेव अगर मनी करते हैं तो ही हमारा सेव लाइफ होगा। सेव मनी सेव लाइफ, अगर हम लोग मनी सेव नहीं करते तो हमारा लाइफ सेव नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास मनी नहीं है। अगर हम कभी बीमार हो जाते हैं, हमारे पास पैसा नहीं रहेगा तो हमारा इलाज हॉस्पिटल में नहीं हो पाएगा और हम जो है हमारा जीवन जो वो बच नहीं पाएगा। तो इसीलिए क्या है कि सेव मनी सेव लाइफ। तो सेविंग्स जो अकाउंट होता है वो बचत खाता है। अब ये तो जान गए कि ये बचत खाता, अब ये खाता कैसा होता है और किन लोगों को खुलवाना चाहिए। तो ये जो खाता है ना, ज्यादातर लेबर जो होते हैं, मजदूर होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, किसान होते हैं, या आसान भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि जो जनरल पर्सन होता है, आम आदमी होता है, उसके लिए ये खाता होता है सेविंग्स अकाउंट। आम लोगों के लिए, कि घर की महिलाएं हैं, विद्यार्थी है, या कोई लेबर है, मजदूर है, किसान है, उन लोगों के लिए क्या है, बचत खाता खुलवाना चाहिए और उन लोगों का बचत खाता खुलता है। अब बचत खाता खुलवाने के फायदे क्या है, या बचत खाता खुलवाते हैं तो इसका फायदा क्या है, या इसमें होता क्या है। तो बचत खाता में होता ये है कि बचत खाता में हम जो भी मनी अपने खाते में डालेंगे, हम जितना भी मनी डाल दिए खाते में, मान लीजिए कि अगर हम 10,000 रुपया अपने अकाउंट में डाल दिए तो हमें क्या मिलेगा, इस पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। इस मनी पर हमें क्या मिलता है, ब्याज मिलता है, क्योंकि इसका नाम क्या है, सेविंग्स अकाउंट है। तो जैसे ही अगर हम सेविंग्स अकाउंट में अगर अपना पैसा अगर डालते हैं अकाउंट में, हम जितना भी पैसा अपने अकाउंट में डालेंगे उस पर हमें कुछ ना कुछ ब्याज मिलेगा। लेकिन इसका जो लिमिट होता है ना, लिमिट इसका होता है वो सीमित होता है। पैसा इसमें जो है लेन देन जो होता है वो लिमिट है इसका, उस लिमिटेशन के हिसाब से हम पैसा इसमें से लेन देन कर सकते हैं। और इसमें हम लोगों को क्या होता है कि पासबुक मिलता है। जैसे हम सेविंग्स अकाउंट में अगर हम अपना अकाउंट जो है ओपन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, पासबुक मिलता है। तो इस खाता का ये फायदा है कि अगर हमारे पास जो भी हम कमाते हैं और हमारे पास अगर कुछ पैसा अगर बचता है तो हमें क्या करना चाहिए, सेविंग्स अकाउंट जो खुलवाते हैं अपने खाते में पैसा को डाल देना चाहिए। हमारा पैसा जो है वो सेव भी रहेगा और साथ ही साथ उस पर जो कुछ इंटरेस्ट भी मिलेगा, और जब हमें जरूरत हो अपना पैसा जो आसानी से हम निकाल सकते हैं बैंक जा करके या ATM के माध्यम से, जैसे भी हो पैसा हम अपना निकाल सकते हैं। तो ये सेविंग्स अकाउंट है और ये इसके फायदे हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं करंट अकाउंट की। अब करंट अकाउंट क्या होता है, तो करंट अकाउंट को हम लोग हिंदी में चालू खाता कहते हैं, चालू खाता। अब ये खाता किसके लिए उपयुक्त है, किसको खुलवाना चाहिए, किसको नहीं खुलवाना चाहिए, या ये जो खाता होता है कौन लोग खुलवाते हैं और इसका फायदा क्या है। तो चालू खाता होता है, जैसा कि नाम से ही है ये चालू है। तो चालू खाता जो होता है ना, इसमें पैसा जो लेन देन करते हैं ना, ये असीमित है। इसमें हम बहुत अत्यधिक मात्रा में पैसा जो है डाल सकते हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में निकाल सकते हैं। अब जो करंट अकाउंट होता है ये बिजनेसमैन के लिए होता है। कोई भी आदमी है जो अगर बिजनेसमैन है तो उन लोगों के लिए खाता है। जो भी आदमी बिजनेस करता है उन्हीं के लिए ये
करंट खाता है, क्योंकि इसमें जो पैसा होता है ना, राशि होता है ना, उसकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है। और इसमें जो है हम जब चाहे जितना चाहे अपने मर्जी से उतना पैसा हम अपने खाते में डाल सकते हैं, और जब चाहे जितना पैसा हो जरूरत के हिसाब से उतना हम निकाल सकते हैं। तो ये खाता हो गया कि भाई जो बिजनेसमैन है, जो धंधा कर रहा है, जिसके पास पैसा बहुत अत्यधिक मात्रा में है, वो करंट खाता खुलवाता है, चालू खाता खुलवाता है, और वो जो है बहुत ज्यादा मात्रा में पैसा डालता है या निकालता है। लेकिन करंट खाता में होता क्या कि आपको 0% ब्याज मिलेगा। करंट खाता में होता कि आपको ब्याज नहीं दिया जाएगा। लेकिन सेविंग्स अकाउंट में क्या होता है, हम लोगों को कुछ परसेंटेज ब्याज मिलता है, और करंट अकाउंट में हमें ब्याज नहीं मिलता है। तो दोनों में ये अंतर है कि इस पर आपको ब्याज नहीं मिलेगा, इस पर जो है कुछ परसेंटेज ब्याज आपको मिलेगा। इसका है कि कोई लिमिट नहीं है पैसा लेन देन करने का, इसकी कोई सीमा नहीं है, आप कितना भी पैसा चाहे डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन इस सेविंग्स अकाउंट में क्या है कि एक जो है इसका लिमिट बनाया गया है, आप अगर उससे ज्यादा पैसा न तो लगा सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। इसमें होता है कि भाई करंट अकाउंट, यहाँ पर आपको पासबुक मिलेगा, करंट में जो है आपको पासबुक नहीं मिलेगा। तो दोनों जो ये खाता होता है, इस दोनों में अंतर है, दोनों का ये फायदा है। तो लोगों को जो है कौन सा खाता खुलवाना चाहिए, आप लोगों को पता ही चल गया होगा इस वीडियो के माध्यम से। आप लोगों को ये खाते के बारे में या बैंक से संबंधित जो हमारा ये वीडियो था, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक थैंक यू।